पर देवास में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले 400 मीटर सिंथेटिक टैंक का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। पूर्व खेल मंत्री तुकोजी राव पवार के जन्मदिन पर कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि खेलों के प्रति हम गंभीर है और हमारे प्रयास से प्रदेश से ओलंपिक खिलाड़ी निकलेंगे। दो देवियों का वास देवास, तुलजा भवानी, चामुंडा माता सबके पर कृपा करे और हम सब परमात्मा की दया से इस नए वातावरण में, नए युग में, नए समय में, खास करके केला देवी का भी आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े, ये हमारा सबका सौभाग्य है। मालवा सदैव अपनी विशेषताओं के कारण से जाना जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बाद हमारा मालवा तो उस समय स्वाधीन हो गया जब हमारे यहाँ होलकर, पवार, सिंधिया, बाजीराव जी महाराज के माध्यम से जब हमारी हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का अभियान चला, तो ये हमारे सभी देवस्थान के अभावी बड़ी और हमारा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना जाने लगा है। आज के इस अवसर पर जब देवास की बात करता हूँ तो पंडित कुमार गंधर्व को भी याद करता हूँ। उज्जैन, धार, ये एक समग्र महानगर विकास करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय में एक वृहद महानगर की श्रेणी में इस सबका विकास होगा और देवास और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है जहाँ 4 लेन बन करके सीधा सीधा देवास के चारों तरफ एक रिंग रोड बन गया है जो चारों तरफ से 4 लेन के साथ देवास को भी सुरक्षित रख रहा है और विकास के नए दरवाजे भी खोल रहा है। आज के इस अवसर पर सिंथेटिक ट्रैक ये जो बन रहा है, मेरी अपनी ओर से खेल के लिए बड़ी सौगात है, मेरी अपनी ओर से कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में ये सिंथेटिक ट्रैक जो बनने जा रहा है, आज के समय में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग खेलों में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य में ओलंपिक और एशियाड में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर वहाँ पार्टिसिपेट करें, ऐसी भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। मेरी भविष्य की दृष्टि से देवास अपने ढंग से एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे मालूम है कि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम, श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम, खासकर आज ये पूरा आयोजन ही स्वर्गीय तुकोजीराव पवार के जन्म जयंती के अवसर पर हो रहा है, एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। हम अपने महाराज से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी था और हम सब जानते हैं कि यद्यपि वो समय के साथ बहुत अपनी अलग पहचान रखते थे, काल के प्रभाव में परमात्मा की इच्छा पे किसका बस चलता है, लेकिन जब भी रहे, जब तक रहे, खूब दमदारी से रहे, उनका स्वयं का अपना खेलने का ट्रैक से लेकर के कई प्रकार की विशेषता मैंने उनके साथ युवा मोर्चा में, भाजपा में, कॉलेज जीवन के समय से साथ में काम भी किया है और मेरी भविष्य की बहुत बड़ी संभावना है। हमारी सुयोग्य विधायिका श्रीमती गायत्री जी पवार, जिनके साथ मैं कुछ समय पहले भी आया था कथा भागवत के समय भी और नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी, उस समय कुछ आपने कार्यक्रम जोड़े थे, आप कल्पनाशील भी हैं और अपने कार्य में दक्ष भी हैं, अपनी एक पहचान बनाने में कायम हैं। बदलते दौर में औद्योगिकरण की दिशा में हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, आने वाले समय में देवास, उज्जैन, इंदौर ये तो और एक अलग प्रकार की स्थिति में जाएंगे। हम और आप सब मिलकर प्रयास करें आने वाले समय में, खास करके अब आपने कोई स्टेडियम बनाने की बात कही है तो यहाँ के कलेक्टर और बाकी लोगों में तो CSR फंड के माध्यम से भी हम इस व्यवस्था में आपकी ये सौगात दिला सकते हैं, तो ये बड़ी सौगात होगी। यहाँ है कलेक्टर भी नहीं है, हाँ मैं ये फैक्ट्री से जोड़ करके CSR फंड में भी आप इसको दिखवा करके ये स्टेडियम के अंदर जो पेविलियन की बात माननीय विधायक जी ने कही है, ये तुरंत इसकी जुड़वा करके ये पेविलियन की सौगात भी दिलाना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो मैं उसमें मदद करूँगा, निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए जो जो चाहिए हम सब देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा सभी मित्रों को, बहुत बहुत धन्यवाद। महन जी का खास आभार, महन जी आपका समय मैंने लिया।